हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक स्पेशल पराठा की रेसिपी जो बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आता है। तो आज हम बनाएंगे पिज्जा पराठा। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए बनाते हैं पिज्जा पराठा। पिज्जा पराठा बनाने के लिए मैं 1.5 कप आटा ले रही हूँ, उसमें 1/2 कप मैदा ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो बराबर मात्रा में आटा और मैदा ले सकते हैं। अब इसमें 2 चम्मच हम रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे, फिर इसमें 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे। हल्के हाथों से इन सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे एक साथ। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम एक स्मूथ डो बना लेंगे। आटे को न ज्यादा हमें सॉफ्ट गूंदना है न ज्यादा हार्ड गूंदना है। नॉर्मल जैसे हम कोई भी स्टफ पराठा बनाते हैं उसके लिए आटा लगाते हैं, उसी तरीके से आटे को हम गूंद लेंगे। आटे को अच्छी तरीके से हथेलियों से अंगूठे से दबाते हुए अच्छी तरीके से गूंद लेंगे। 4-5 मिनट में आटा हमारा गूंदकर तैयार हो जाता है। पिज्जा पराठे के लिए डो हमारा तैयार हो गया है। अब 1 चम्मच ऑयल आटे पर डालकर ऑयल को चारों तरफ आटे पर फैला देंगे, जिससे ऊपर से आटा हमारा सूखे ना। फिर आटे को ढककर 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक पराठे के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी अमूल चीज लिया है जिसको क्रश कर लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, 1 मीडियम साइज का चॉप्ड प्याज लिया है, 1 कटोरी पनीर लिया है, थोड़े से ऑलिव लिए हैं, 1/2 हरा शिमला मिर्च लिया है जिसको भी चॉप कर लिया है, पिज्जा मिक्स हर्ब और चिली फ्लेक्स लिए हैं मिक्स करके, 1 कटोरी मोजरेला चीज लिया है, नमक लेंगे और पिज्जा सॉस लेंगे। अब बोल में चॉप्ड अनियन, चॉप्ड शिमला मिर्च, ऑलिव, क्रश चीज, पनीर, कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मिक्स हर्ब चिली फ्लेक्स, इन सबको अच्छे से अब मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इसमें स्वीट कॉर्न, गाजर, लाल शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च, अपने पसंद की कोई भी सब्जियां डाल सकते हैं। अब डो हमारा तैयार है। अब इसमें से हम एक थोड़े बड़े साइज की लोई निकालेंगे और हाथों पे रोल करते हुए इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे और फिर जिस प्लेटफॉर्म पर आपको बनाना है उस पर इसको थोड़ा स्ट्रेच कर देंगे। अब प्लेटफॉर्म पर थोड़ा आटा डस्ट करके लोई को राउंड शेप में हम थोड़ा सा बेल लेंगे। अब इस पर पिज्जा सॉस को चारों तरफ अप्लाई कर देंगे अच्छे से, जिससे पिज्जा पराठे में पिज्जा सॉस का टेस्ट आए। अब पिज्जा सॉस के ऊपर मोजरेला चीज को चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। आपके पास घर में जो भी चीज हो वो आप पिज्जा पराठे में डाल सकते हैं। अब जो हमने स्टफिंग तैयार की थी वो इसमें डाल देंगे। स्टफिंग के ऊपर थोड़ा सा मिक्स हर्ब को स्प्रिंकल कर देंगे, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा पिज्जा पराठे में। अब चारों तरफ से हल्के हाथों से पराठे को हम स्टफिंग के साथ फोल्ड करते हुए एक लोई तैयार कर लेंगे। तो देखिए लोई हमारी तैयार है। अगर ऊपर आपका आटा थोड़ा एक्स्ट्रा हो तो उसको निकाल सकते हैं हल्के हाथों से प्रेस करते हुए। अब रोलिंग बोर्ड पर इसको पराठे की तरह से हम रोल कर लेंगे। ये पराठा हमें ना ज्यादा मोटा बनाना है ना ज्यादा पतला बनाना है। पराठे की थिकनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब एक पैन को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, उस पैन में इस पराठे को डाल देंगे और पहले दोनों तरफ से इस पराठे को हल्का सा हम सेक लेंगे। फिर ऑयल लगाकर पराठे को दोनों साइड से अच्छे तरीके से हम सेक लेंगे। आप चाहें तो ऑयल के जगह पर घी या बटर भी यूज कर सकते हैं, जिससे पराठे का टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं यहाँ पर कुकिंग ऑयल ले रही हूँ और अच्छे तरीके से लगाकर पराठे को सेक ले रही हूँ। पराठे को हम मीडियम फ्लेम पर ही सेकेंगे। तो 4-5 मिनट में पराठा हमारा सिककर तैयार है। देखिए पराठा हमारा दोनों तरफ से अच्छे तरीके से सिक गया है। अब इसको हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी के पराठे भी इसी तरीके से हम सेक लेंगे। ये पिज्जा पराठा देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में भी उतना ही टेस्टी और डिलीशियस लगता है। आप चाहें तो ऐसे भी इसको खा सकते हैं, लेकिन पिज्जा पराठा है तो इसको पिज्जा कटर से कट कर लेते हैं पीसेस में और पीसेस को फिर एंजॉय करते हैं।
मैं आपको इस पिज्जा पराठे को अंदर से दिखाती हूँ। तो देखिए कितना चीजी टेस्टी पराठा हमारा बनकर तैयार हुआ है। ये पराठा जितना टेस्टी सा दिख रहा है उतना खाने में भी है। तो एक बार इस पराठे को जरूर बनाइएगा, फिर कमेंट करके बताइएगा कैसा बना। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।